मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 999-07-24131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 8 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है वज्र और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका जो व्यापार चल रहा है और उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके प्रयास चल रहे हैं, आज उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और संतुष्टि भी आपको प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प समर्पित करके श्री सूक्त का एक बार पाठ जरूर करना चाहिए। पार्टनर के साथ झगड़ा या वाद विवाद आप न बढ़ाएं। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली में वृद्धि और व्यापारिक लाभ की स्थिति से सुख का अनुभव होगा। ऋणहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आज आपको करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने प्रबल व्यक्तित्व से हर प्रकार के विवाद को आप सुलझाने में सफल रह पाएंगे। माँ अन्नपूर्णा को दूध से निर्मित नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। मानसिक थकान और उदासीनता को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य में मनोनुकूल परिवर्तन होगा। परिवार का आपको आज बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना आज आपके लिए बहुत ही लाभकारी दिखाई देता है। परिश्रम से पीछे आपको नहीं हटना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या समक्ष आ सकती है, जिससे आप थोड़ा सा विचलित और चिंतित हो सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपके कुल देवता और आपके जो गुरु ने आपको मंत्र दिया हो, अगर आपके परिवार के कोई कुल गुरु हो तो उनके द्वारा दिए गए मंत्र और कुल देवता की पूजा आराधना आपको ज़रूर करना चाहिए। और अगर कोई गुरु नहीं है तो ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। परिवार की बात या सुझाव का अनदेखा आपको नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए संपत्ति से संबंधित स्थिति में कुछ कमी दिखाई देती है, जो तनाव में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। क्रोध करने से बचना चाहिए। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में क्षति संभावित दिखाई देती है, परंतु ध्यान देने से सुधार हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गणेश चतुर्थशीर्ष का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए और महत्वपूर्ण निर्णय करने में बहुत जल्दीबाजी आप ना दिखाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, व्यर्थ की बातों में खुद को आप न लगाएं। धनुराशि परिवार के तनावयुक्त माहौल को सुधार पाने के लिए आपके जो प्रयास चल रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम रिंग घृणी सूर्य आदित्य श्रृंग, इस मंत्र का 108 बार जाप आज आपको जरूर करना चाहिए। सोच समझ करके नपातुला बोलें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पति पत्नी, घर गृहस्थी, पिता और समाज पद प्रतिष्ठा से संबंधित मामले आज आपके हित में रहेंगे। परिस्थितियां सब नियंत्रित रहेंगी। लाभ भी आपको व्यापार में मिलेगा, परिवार से संबंध भी अच्छा रहेगा, पिता भी खुश रहेंगे, तो आज आप संतुष्ट रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी भी तरीके का तनाव आप अपने ऊपर मत लीजिए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए व्यापारिक मामलों में कुछ राहत मिलेगी। जीवन शैली को आप सुधार पाएंगे। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें और उत्साह में कमी ना आने दें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी प्राप्ति और व्यापारिक सफलता हेतु आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। मिट्टी के पात्र में रख करके दही का दान आज आपको करना चाहिए और किसी की निंदा करने से आपको बचना होगा।
तो मित्रों ये तो बात रही आज के 12 राशि की, हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वास्तुशास्त्र का कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नियम जिसको जान करके आपको भी आश्चर्य होगा। हमारे यहाँ वास्तु में भगवान गणेश के कुछ अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं जिनको घर में लाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। भगवान गणेश जो है वो हर रूप में शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं, फिर भी 5 प्रकार के गणपति को हमारे यहाँ शास्त्रों में या इनकी मूर्तियों को, इन 5 प्रकार की विशेष गणपति की मूर्तियों को घर में लाना बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो आइए जानते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये भी जानते हैं कि क्या इनमें से कोई 5 में से कोई एक भी गणपति आपके घर में पहले से मौजूद है क्या। आम, पीपल और नीम की लकड़ी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति को घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाने का नियम वास्तुशास्त्र में बताया गया। इसमें इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है कि इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है और इनको मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाने से जितनी भी निगेटिव एनर्जी रहती है या कोई भी बुरी ऊर्जा होती है तो वो दरवाजे से ही लौट जाती है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो इसलिए आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी और नीम की लकड़ी से बने हुए गणपति का अपना विशेष महत्व बताया गया है। गाय के शुद्ध गोबर से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति धन वृद्धि कारक मानी जाती है। आप अपने घर में गणेश जी की ऐसी मूर्ति रख करके नियमित रूप से पूजा कर सकते हैं, जिन्हें हम मूल भाषा में या आम बोलचाल की भाषा में गौर गणेश कहते हैं, ये वही होते हैं। तो सामान्य पूजा पाठ में अक्सर जो है आचार्य लोग गौर गणेश की ही स्थापना कराते हैं। रविवार और पुष्य नक्षत्र के योग में श्वेतार्क गणपति की मूर्ति को घर में ला करके नियमित रूप से उनकी पूजा की जानी चाहिए। गणेश जी की यह मूर्ति धन और सुख वृद्धि कारक मानी गई है। क्रिस्टल से बने हुए गणेश जी की मूर्ति को वास्तु दोष को दूर करने में बहुत ही कारगर माना जाता है। गणेश जी के साथ साथ क्रिस्टल के लक्ष्मी की पूजा करना धन और सौभाग्य में वृद्धि कारक माना गया है। हरिद्रा गणपति यानी हल्दी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं तो ये मूर्ति बहुत ही सुख कारक मानी गई है और घर में रखना, इनकी पूजा करना धन की दृष्टि से यानी आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसी तरीके से मूंगे के रत्न के गणपति, मूंगे के गणपति को घर में रख करके नियमित रूप से उनकी पूजा करने से मानते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होती और ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार जो है कर्ज की स्थिति में कभी नहीं फंसता। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभववन। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी,
शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।